नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट पोस्ट लाइनअप्स प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित, और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इक्वाडोर इन एन इंटरनेशनल फ्रेंडली। सो फ्रेंड्स, लाइनअप्स आ चुके हैं। इस वीडियो में हम दोनों टीम्स के कंफर्म लाइनअप्स को एनालाइज करेंगे और आपको देंगे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। बट बिफोर दैट, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? ये विजन 11 की टीम में मैं कैप्टन किसको बनाऊं, धवन को या रोहित? सर, मैंने तो रोहित को बनाया है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। सो फ्रेंड्स, देखते हैं दोनों टीम्स की कंफर्म लाइनअप्स। पहले हम बात करते हैं होम टीम ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किया फीफा वर्ल्ड कप में व्हेन दे रीच द राउंड ऑफ 16। इवेंचुअल चैंपियंस अर्जेंटीना ने ऑब्वियसली उन्हें हराया था, लेकिन आपको याद होगा लेट इन द मैच काफी अच्छा उन्होंने कमबैक किया था। सो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मैच में वो काफी कॉन्फिडेंस लेके इस मैच को अप्रोच करेंगे। ऑब्वियसली इक्वाडोर आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड टीम, 41 रैंक इन द वर्ल्ड है, ऑस्ट्रेलिया से मच बेटर रैंकिंग है, बट ऑस्ट्रेलिया का होम सपोर्ट है और ऑस्ट्रेलिया आर अ टीम जो आई थिंक काफी हाई पे इस मैच को अप्रोच करेगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस ऑस्ट्रेलियन टीम। अगर आप प्लेयर्स की बात करें, सम स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थे वर्ल्ड कप में, फॉर एग्जाम्पल क्रेग गुडविन वॉज समवन जो क्रिएटिविटी वाइज वॉज सो गुड। हमें पता है ए लीग में ऑल्सो ही हैज बीन वेरी वेरी गुड। मिशेल ड्यूक इज समवन जो ए लीग में हैज बीन ओके। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ड्यूक के वर्ल्ड कप स्पेशली, ही वॉज वेरी वेरी गुड। काफी अच्छे टारगेट मैन भी हैं। मुझे लगता है कि जेमी मैकलारेन के एब्सेंस में ही कुड बी ऑन पेनल्टीज एज वेल। अगर बात करें बाकी प्लेयर्स की, जैक्सन अर्विन ऑलवेज इज अ प्लेयर जो क्रिएटिवली और डिफेंसिवली काफी अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी आई थिंक बैकर्स और मबील को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आई थिंक एडन ओनील के परफॉर्मेंसेज हैव बीन वेरी वेरी गुड। मुझे लगता है ही कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आपको एटलीस्ट काफी पासिंग पॉइंट्स, टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स और चांस क्रिएटेड भी दे सकता है। डिफेंस में अगर मुझे एक पिक करना है, डेफिनेटली गो फॉर हैरी सूटर जो खेलते हैं लेस्टर सिटी के लिए इन द प्रीमियर लीग। और ऑब्वियसली अगर आप क्वालिटी की बात करें, ही इज द वन जो मैं रिकमेंड करूंगा। उसके अलावा बेहच ऑब्वियसली इनकी थोड़ी एज हो चुकी है, बट काफी अच्छे मराउडिंग लेफ्ट बैक हैं। डेगेनेक मुझे काफी पसंद है एज द राइट बैक, काफी सॉलिड प्रेजेंस है इन द राइट बैक स्लॉट। मैट रायन इज स्टिल द गोलकीपर। बात करते हैं ओपोनेंट्स इक्वाडोर की, जो खेलेंगी एक यू कैन से डिफरेंट फॉर्मेशन, एक 4-4-2 फॉर्मेशन। एक्चुअली ये एक फॉर्मेशन है जो नॉर्मली वो इंप्लॉय करते हैं, बट एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्लेवर आ सकता है इस मैच में, बिकॉज एनर वेलेंसिया जो उनके इंस्पिरेशनल लीडर हैं, कैप्टन है, टॉप स्कोरर इन द वर्ल्ड कप, ही इज इंजर्ड, ही विल नॉट प्ले इन दिस मैच। सो देखते हैं कौन से प्लेयर्स इनकी टीम में इंपॉर्टेंट है। रमीरेज इज द गोलकीपर। डेफिनेटली अगर आप डिफेंस में देखें, टू प्लेयर्स में पिकआउट करूंगा। एक है एस टू पिनान, जो हमें पता है कितने इंप्रेसिव लेफ्ट बैक है, प्लेयर्स फॉर ब्राइटन इन द प्रीमियर लीग, एंड हिनकापी जो खेलते हैं बायर लेवरक्यूजन के लिए। ये दो मुझे लगता है आर द स्टैंड आउट पिक्स फ्रॉम दिस इक्वाडोर डिफेंस। अगर आप मिडफील्ड पे चलें, डेफिनेटली द वन टू गो फॉर इज मोइसेस साइसेडो, जो वंस अगेन खेलते हैं फॉर ब्राइटन। देयर इज अ ट्रेंड कि बहुत सारे इक्वाडोर के प्लेयर्स खेलते हैं ब्राइटन में। एक और प्लेयर है सार्मिएंटो, जो बहुत रेगुलरली नहीं खेलते हैं प्रीमियर लीग में, बट ही समवन जो कप कॉम्पिटिशन में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा आई थिंक सिफुएंटेस इज द वन जिनके ऊपर आप थोड़ा पंट ले सकते हैं, काफी अच्छे मराउडिंग राइट विंगर हैं। अगर आप अप फ्रंट बात करें, यू हैव एंगेल मीना एंड मिकेल अस्ट्राडा। नाउ आई एम नॉट श्योर कि पेनल्टीज कौन लेगा इन द एब्सेंस ऑफ एनर वेलेंसिया। मैं लास्ट 4 साल में देख रहा था सिर्फ एनर वेलेंसिया ने पेनल्टीज ली हैं ऑफ ऑल द प्लेयर स्टार्टिंग, बट अगर मेरे को गेस करना होगा, मे जस्ट अबाउट गो फॉर एंगेल मीना, ऑल्दो मुझे लगता है इन दोनों में से कोई पेनल्टी ले सकता है। लेट्स गो टू नाउ बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। प्रिडिक्शन है मेरा एक 1-1 ड्रॉ, कुड इजली बी अ लो स्कोरिंग निल निल। आई थिंक नॉर्मली मैं इक्वाडोर को बैक करूंगा, दे आर द बेटर टीम विद द बेटर प्लेयर्स, बट इस मैच में बिकॉज ऑस्ट्रेलिया होम टीम है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली आर ऑन अ हाई फ्रॉम द वर्ल्ड कप, मुझे लगता है कि ये एक लो स्कोरिंग ड्रॉ हो सकता है। सो अगर गोल स्कोर करेगी इस मैच में ऑस्ट्रेलिया, मेरे को लगता है क्रेग गुडविन उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग वो गोल स्कोर करेंगे, बट उनका ओवरऑल परफॉर्मेंसेस हैव बीन वेरी वेरी गुड। ड्यूक को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, पिक भी कर सकते हैं, आई थिंक इट्स योर चॉइस, बट आई डोंट माइंड अगर आप इनको ड्रॉप करके लेट्स से एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर जैसे एडन ओनील या बैकर्स अपनी टीम में ले सकते हैं। जैक्सन अर्विन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन मिडफील्ड, बट आई थिंक आपका कोर ऑफ द मिडफील्ड होना चाहिए फ्रॉम इक्वाडोर, जहां पे मोइसेस साइसेडो आपको बहुत सारे टैकल इंटरसेप्शन पासेस बीच बीच में चांस क्रिएटेड भी दे सकते हैं। बेस्ट प्लेयर मेरे को लगता है इस इक्वाडोर टीम के हैं मोइसेस साइसेडो। फिर आते हैं सार्मिएंटो, जिनके ऊपर मैंने पंट लिया है बिकॉज मुझे काफी इंप्रेस किया है इन्होंने प्लेइंग फॉर ब्राइटन। एंगेल मीना इज द वन जो पोटेंशियली पेनल्टीज हो सकते हैं, की जगह आप मिकेल अस्ट्राडा को भी ले सकते हैं। डिफेंस की बात करें, एस टू पिनान को मैंने वाइस कैप्टन किया है, आप इजिली कैप्टन भी कर सकते हैं। आई थिंक डिफेंसिवली पूरे मैच में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फैंटेसी पॉइंट्स के।
उसके बाद मैंने हिनकापिए को पिक किया है प्योरली बिकॉज इनकी क्वालिटी बहुत हाई है, प्लेयर्स इन द बुंदेसलीगा फॉर लेवरकुसन, हैरी सूटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े थ्रेट है फ्रॉम कॉर्नर्स एंड सेट पीसेस, ह्यूज प्रेजेंस इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स, और डेगेनेक को मैंने पिक किया है, इनकी जगह में भी आप बेहेच या राउल्स भी ले सकते हैं। गोलकीपर मैट रायन है, एक्सपेक्ट की इक्वाडोर पोजेशन डोमिनेट करेगी एंड ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट ले सकती है इन दिस मैच। So this is the preview for the international friendly between Australia and Ecuador. Changes ho sakte hain, substitutions ho sakte hain, so be mindful of that as well. Agar aapko ye video pasand aaya, make sure you hit the like button, subscribe kare ViewSport ko and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.